जयं देंस आयरूबी ठाकुर वेलकम यू टू तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल और आज आई मैं आपसे बात करने एक नई टॉपिक पर और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंडिया ने सपोर्ट किया है यूएनजीए के अंदर इसराइल और पैलेस्टाइन के टू स्टेट सॉल्यूशन को हालांकि जो अटैक किया गया था उसको भी कंडेम किया था तो हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज उन्होंने काफी चीजें उसके दौरान कही है तो चलिए जानेंगे पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या स्टैंड है इंडिया का पूरा का पूरा जो पेलेस्टाइन और इजराइल का केस है उसके अंदर सो इन डायरेक्टेड इट सपोर्ट फॉर अ टू स्टेट सोल्यूशन फॉर इसराइल पेलेस्टाइन कंफ्लिक्टन गोइंग वॉर एन दाजा सो अगर बात करें इस टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर इसका मतलब इन सिंपल लैंग्वेज ये है कि हमारी बात यह हमारी मांग है जो भी कंट्री जिन्होंने भी टू स्टेट सॉल्यूशन को इस पे कहा है दैट मींस एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि इसराइल है तो सिमिलरली एक दूसरा इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश करना जो कि होगा पैलेस्टाइन जब बॉर्डर्स की सिक्योरिटी हर एक चीज की मांग की गई है जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चला है उसको सही करने की बात की है तो ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं था जिसमें ये चीजें कवर नहीं हुई है सो इन शॉर्ट टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि पैलेस्टाइन इसराइल दोनों एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शन करेक्ट करेक्ट सिमिलरली सो पैलेस्टीनियन पीपल्स एबिलिटी टू लिव इन आन इंडिपेंडेंट कंट्री विद सिक्योर वॉरियस बिकॉज आप सब जानते हैं इनवेशन अटैक्स हम इसराइल और पैलेस्टाइन का काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं गाजा वॉर ये सब चीजें करेक्ट सो नाउ इट्स दाई टाइम की अब चीजें सही कर दी जाए सो इंडियन इन्वाइट यू एन ऑल्सो कॉल्ड ऑन ऑल पार्टीज टूरिज्म डायरेक्ट पीस नेगोसिएशन इन मैटर एट अर्यस कि जितना जल्दी हो सके एक जो पीस के लिए नेगोसिएशन है जो शांति बनाने के लिए नेगोसिएशन है उनको जल्द से जल्द कराया जाए So, कौन है हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हमेशा ही न्यूज़ में रहती है कुछ ना कुछ है कि जो पेलेटीनियन के जो लोग हैं वो आराम से इंडिपेंडेंट कंट्री में रहे सिक्योर्ड बॉर्डर्स में रहे पूरी सिक्योरिटी उनको दी जाए मीटिंग कंबोज एक्सप्रेड होप मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टाइन विल बी रिकनसिडर्ड आप सब जानते हैं कि जब परमानेंट मेंबर बनने की बात थी यूएनएससी के अंदर भी बात जब हुई थी तो यूएस ने उसको वीटो कर दिया था हालांकि उनको वहां पे मेजोरिटी मिल चुकी थी लेकिन वहीं पे अपने यूएस ने जो है अपनी वीटो पावर का यूज कर दिया था

कंबोज जो रुचिरा कंबोज उनकी इसके ऊपर भी स्टेटमेंट आई हाँ है यू एन वॉज नॉट अप्रूव्योरिटी काउंसिल पोजिशन वी होप दैट दिस वुड बी रिकनसिडर इन द ड्यू कोर्स इन दैलेस्टाइन एंड डेवर टू बिकम में यूएन विल गेट एंड सो इन सिंपल अगर बात की जाए तो वो भी उसमें यही बात कह रही है कि जो चीज पहले नहीं हो पाई है ठीक है एक तो इंडिपेंडेंट स्टेट की बात की दूसरी उन्होंने जो उसके अंदर बात की कि रिकंसिडर करा जाना चाहिए उनका जो स्टैंड था पर्टिकुलरली जो उनका यूनिसी के लिए मेंबर था रेजोल्यूशन जो वीटो की वजह से कैंसिल हो गया था परमानेंट स्टेट हुड के लिए उसको वापस से री, आ, री, जो रिकंसिडर कर लेना चाहिए सोशी ऑल्सो इंडिया स्ट्रॉन्गली कंडेम करता है जितने भी सिविल्स की डेथ हुई जो अटैक के दौरान जो भी सब कुछ हुआ जो लोगों में हानि पहुंची वो बहुत ज्यादा गलत बात थी इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमिटेरियन लॉ मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय एवरी वन अंडर दर्कमस्टांसेस लेकिन जब यह अटैक किया गया था आई थिंक सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड इकोनमी एंड ऑल सबाद की बात है लेकिन जो सिविल्स है जो एक ह्यूमन बींग्स है वो सबसे ज्यादा अफेक्टिव बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हमें वहां पर देखने को मिला था सो उसी चीज को उन्होंने कंडेम भी

सो so, अब अगर बात करें पेलेस्टाइन का जो स्टेटस है इस पर्टिकुलर टाइम पे यूएन में तो इट्स इंपॉर्टेंट दैन वन फोर्टी ऑफ द वन नाइन थ्री में रिकॉग्नाइज द पेलेटाइन एज अ स्टेट तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेजोरिटी उसको रिकॉग्नाइज कर चुके थे पेलेस्टाइन ने पहली बार जो रिक्वेस्ट की थी सबमिट की थी यूएन मेंबर के लिए दैट वाज इन द ईयर 2011 लेकिन उस टाइम पे उनके पास सपोर्ट नहीं था जो मिनिमम सपोर्ट उनको चाहिए था नाइन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो पंद्रह मेंबर्स टोटल रहते थे नौ का सपोर्ट चाहिए था वो उनको नहीं मिला था

तो वहां पे भी हो चुका था लेकिन फिर से यूएस ने जब वीटो किया तो दैट इज द पॉइंट कि वहां पे वहां पे फिर से जो है उनका परमानेंट स्टेटवुड का जो है मेंबर का जो स्टेटस है वो उनको नहीं मिल पाया सो दिस केम ऑलमोस्ट जब uh, attack, जब अटैक महीने पहले ही उन उनप अटैक हुआ था हमास वॉर आप सब उसके अंदर जानते हैं अराउंड बारह सौ जो लोग है वो मर चुके थे मिलिटेंट्स मरे थे डॉन थर्टी फोर हंड्रेड पीपल टोटली ह्यूमैनिटेरियन लॉस उसके अंदर देखने को मिला एंड उसके बाद ही उन्होंने फिर से जब मांग की गई थी डन उनको मेजोरिटी कंट्रीज का अप्रूवल भी मिल गया था लेकिन वहीं आया यूएस एंड यस दो चीजें खराब हो गई सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज लॉन्ग एंड विज़न ऑफ द टू स्टेट्स लिविंग साइड बाय साइड विद इन द सिक्योर रिकॉग्नाइज्ड वॉटर्स सो पैलेस्टिनियंस की जो इसमें मांगे दैट दे वांट अ स्टेट इन द वेस्ट बैंक ईस्ट जेरोसलम एंड गाज़ा स्ट्रिप, ऑल टेरिटरी जो कि इसराइल ने कैप्चर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने कंडेम भी किया था जो यूएस ने वीटो यूज की थी अप्रैल मंथ में उन्होंने कहा कि देख रहे हैं कि फेलेटाइन पीपल के साथ क्या हाल हो रहा है डन किस हिसाब से उनको मारा जा रहा है कितना हमें लाइफ लॉस ऑफ लाइफ हुआ है यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन ईच एंड एवरी थिंग इज डन एंड उसके बाद भी आपने अपनी वीटो यूज किया है यूएस

अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एस एस बी इंटरव्यू एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं